दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मुझे बताइए कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपका सामान क्या होता है? जनरली आपका सामान एक कार्डबोर्ड या जिसे आप गत्ता कहते हैं उसमें पैक होकर आता है, राइट? सो दोस्तों, गत्ते या कार्डबोर्ड से बने बॉक्सेस आज के समय में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कपड़ा हो, कांच हो, चीनी मिट्टी हो, जूते हो, कागज का सामान हो, ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह के हर तरह के व्यवसाय में उन आइटम की पैकेजिंग के लिए आजकल गत्ते के बॉक्सेस का ही उपयोग करना पड़ता है, जिससे वे आइटम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जा सके। इस तरह अगर देखा जाए तो इसका उपयोग करीब 80% बिजनेसेस में पैकिंग के लिए किया जाता है। उसका रीजन ये है कि एक तो ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, स्टोरेज में बहुत आसानी होती है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसे बहुत आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। ऐसे में यदि आप गत्ते से बने अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस का प्रोडक्शन करके उसका बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा विकल्प होगा और बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय होगा। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस व्यवसाय से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस व्यापार में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास प्रोडक्ट और उसकी मेकिंग प्रोसेस दोनों के बारे में ज्ञान और थोड़ा सा आपको कौशल होना जरूरी है, और साथ ही आप पैकेजिंग उद्योगों के विभिन्न पहलुओं से अवगत हों। इसके लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में एक कोर्स करके इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग कैसे करें यह जानने के लिए भी फिर आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मशीन को सप्लाई करने वाला व्यक्ति आपको इस मशीन को संचालित करने की सारी जानकारी दे देगा। फिर बहुत आराम से अपना व्यवसाय आप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस व्यवसाय के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। गत्ते से बने व्यवसाय का निर्माण करने के लिए मुख्य कच्ची सामग्री जो है वो है क्राफ्ट पेपर। आपको यह बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि क्राफ्ट पेपर की क्वालिटी वास्तव में आपके बॉक्सेस की क्वालिटी को निर्धारित करती है। यह बाजार में करीब 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी तो वो है पीला, स्ट्रॉबोर्ड, गोंद और सिलाई और तार आदि। इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको जो मशीनें उपयोग में लाई जाएंगी वो है सिंगल फेस पेपर कॉग्निशन मशीन, दूसरी रील स्टैंड लाइट मॉडल के साथ टू बोर्ड कटर, शीट चिपकाने वाली मशीन, शीट प्रेसिंग मशीन, 4 बार रोटरी कटिंग एवं क्रेसिंग मशीन, एसिसेंट्रिक स्टॉल मशीन और 2 सिलाई मशीन है, जिसमें से एक 36 इंच आर्म एंगुलर हेड पे हो और एक 48 इंच आर्म एंगुलर हेड पे हो। ये सारी मशीन आपको स्थानीय निर्माताओं से या तो फिर ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस जैसे इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया से ऑर्डर दे करके मिल जाएंगी। दोस्तों, इन सारी मशीनों की कीमत कुछ इस प्रकार से है जो आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन में। इन मशीनों के साथ ही पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग, एक्सरसाइज, इंश्योरेंस, सेल, सेलटेक्स, माल की ढुलाई आदि के लिए करीब 1.5 लाख रुपए, ऑफिस फर्नीचर के लिए करीब 50,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला करके 1.5 लाख रुपए लग सकते हैं। कुल मिलाकर मतलब आपको मशीनों और अन्य चीज के साथ 15 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। दोस्तों, गत्ते के बोर्ड बनाने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि गत्ते के बोर्ड बनाने की निर्माण प्रक्रिया क्या है तो उस पर एक आर्टिकल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि गत्ते के बोर्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है। अब आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। दोस्तों, अब बात आती है बॉक्सेस की डिजाइन की। तो गत्ते के बोर्ड बन जाने के बाद जब बॉक्सेस डिजाइन की बात आती है तो आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का ध्यान रखना होगा। किसी भी दी गई क्यूबिक सामग्री के लिए सबसे किफायती बॉक्स में 2:1:2 का अनुपात होता है। हालांकि आप अपने हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही अपने ग्राहक की मांग के अनुसार बॉक्सेस का आकार आप निश्चित कर सकते हैं। इस तरह बॉक्सेस की डिजाइन कर आप अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से संचालित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के पहले आपको व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। गत्ते के बॉक्सेस बनाने का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको स्थानीय अथॉरिटी से व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप MSME उद्योग आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी विचार कर सकते हैं। यह आपको सरकारी ग्रांट और सब्सिडी प्रदान करने में मदद करेगा। इन सभी के साथ आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से व्यवसाय के संचालन के लिए स्थापना और सहमति के लिए आवेदन करना होगा और आपको टैक्स फाइलिंग के लिए GST नंबर के लिए भी आवेदन करना होगा। दोस्तों GST नंबर पाने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें इसके बारे में भी हमने डिटेल में आर्टिकल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, इन्वेस्टमेंट। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जमीन और बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए करीब आपको 10 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए मशीनरी और अन्य खर्चों को मिलाकर आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए करीब 30 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो चूंकि इस व्यवसाय की मांग बाजार में हमेशा बनी रहेगी, इसलिए इस व्यापार का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने ग्राहक बनाने में सक्षम होते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। दोस्तों अंत में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होगा। BEC यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न एप्लीकेशन के लिए विशेष विवरण प्रसारित किए हैं। दोस्तों इस व्यवसाय की अधिक मांग होने के कारण बाजार में आपके कई कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप इस व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही शुरू करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो काम आएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त जो व्यापार करने की सोच रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।